हाय गाइस, सबका स्वागत है तो न्यूट्रीगल चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट डिस्प्ले टेस्ट हमारी सैमसंग M20 का। इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है इंफिनिटी वी नॉच वाला डिस्प्ले 6.3 इंच के साइज में, और उसके साथ आपको मिलती है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन। वैसे हमें इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो काफी ब्राइट है, कलरफुल है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर इसके डिस्प्ले को पूरी तरह टेस्ट करेंगे कि मीटर में इसकी रीडिंग कितनी आती है, डिस्प्ले कितना ब्राइट है। उसके बाद हम इसके व्यूइंग एंगल देखेंगे, सनलाइट की परफॉर्मेंस देखेंगे, साथ में देखेंगे कि 4K फाइल इस डिवाइस के अंदर चल पाती है या नहीं, और उसके साथ गेम खेलते समय आपको कैसे कलर्स मिलते हैं। तो पूरी तरह इसके डिस्प्ले को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और साथ ही ये जो मेरा चैनल है TNG गेमिंग, इस पे आपको डिस्प्ले टेस्ट और सारे गेमिंग टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट डिवाइसेस के। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है या फिर बाकी की टेस्टिंग देखनी है तो उन सबके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आइए फटाफट से हम अपने डिस्प्ले टेस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिवाइस की रीडिंग चेक करते हैं कि इसकी कितनी रीडिंग आती है। उसके लिए हम इसकी ब्राइटनेस को करेंगे 100% पे, और अब हम इसको रखेंगे मीटर के ऊपर। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग आई है 358, जो कि हमें बताती है कि इसके अंदर आपको काफी ब्राइट डिस्प्ले मिलेगा। मतलब डिस्प्ले डिजाइन वाइज तो बढ़िया है और रीडिंग के हिसाब से ब्राइटनेस में भी बढ़िया है। अब अगर हम इसके व्यूइंग एंगल देखें तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एंगल मिलते हैं। और जैसे कि ये डिवाइस को मैं थोड़े टाइम से यूज कर रही हूं, तो मैंने इसको सनलाइट में भी यूज किया था, और सनलाइट में भी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलती है। मतलब आप इसको 50% पे आराम से इसकी ब्राइटनेस को रख सकते हैं और डिवाइस को सनलाइट में नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अब आइए हम इस डिवाइस का करें वीडियो टेस्ट। इसके अंदर हम दो फाइल्स चलाएंगे, पहले फुल एचडी उसके बाद 4K। फुल एचडी फाइल की मैं प्रॉपर्टीज आपको दिखा देती हूं। आप देख सकते हैं ये हमारी 2.8 GB की फाइल है। तो आइए इस फाइल को चला के देखते हैं। ये जो हमारी फाइल्स होती हैं, ये सब प्रोफेशनल शूट होता है, जिनको मैं टेस्टिंग के दौरान यूज करती हूँ ताकि हमें डिवाइसेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चले। जो आपके नॉर्मल फुल एचडी या 4K फाइल्स होती हैं, वो इन डिवाइसेस में वैसे भी आराम से चल जाएंगी। इन सभी टेस्टिंग फाइल्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये फाइल हमारी बहुत ही आराम से चल रही है, और फॉरवर्ड करने में भी ये एकदम स्मूथली प्ले हो रही है। और कलर्स आप देख सकते हैं, थोड़े मैं और आगे दिखाती हूँ, आगे बहुत प्यारे कलर्स आते हैं। क्लाउड्स के कलर्स आप देख सकते हैं कितने प्यारे आ रहे हैं, एकदम मस्त लग रहा है वीडियो इसके अंदर देखने में। बहुत ही प्यारा लग रहा है वीडियो। अब हम एक काम करते हैं, इसका ऑडियो टेस्ट भी ले लेते हैं कि वीडियो देखते समय आपको जो डिवाइस के स्पीकर की साउंड है वो कैसी मिलेगी। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग जो है वो हमारी 101 तक टच हो रही है, तो आपको इसके अंदर बढ़िया साउंड मिलती है, और साथ में साउंड हमारी काफी लाउड एंड क्लियर आ रही है। अब हम इसमें करते हैं 4K वीडियो टेस्ट। पहले मैं प्रॉपर्टीज दिखा देती हूँ आपको 4K फाइल की। ये हमारी 7.4 GB की फाइल है, काफी बड़ी फाइल है। म्यूजिक क्रैश कर रहा है इसके अंदर हमारा।
बट अभी शुरू में तो फाइल हमारी काफी ठीक चल रही है, थोड़ा आगे चला के देखते हैं ताकि पता चले कि एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो चल रही है आराम से, बहुत स्मूथ नहीं कहेंगे हम इसको, और म्यूजिक भी क्रैश कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आ रही है। कई सारे मेरे पास 15,000 रुपये की रेंज में भी डिवाइसेस आते हैं जिनके अंदर हमें इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलती कि वो 4K फाइल को चला सकें मेरे इस प्रोफेशनल शूट को। अब हम इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं। फोर के फाइल हमारी स्मूथ नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से प्ले हो रही है और म्यूज़िक हमारा इसमें क्रैश कर रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही आई है। अब हम इसमें खेलेंगे एक गेम जिसमें कि हम देखेंगे कि गेम खेलते समय आपको कैसे कलर्स मिलते हैं। ये भी हमारी वैसे 800 MB की फाइल है, मतलब ये हमारी 800 MB की गेम है, फाइल नहीं है, और वैसे मैंने इसका गेमिंग रिव्यू भी कर दिया जिसमें हमने इसमें 1 घंटे का पबजी टेस्ट भी किया था, उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं गेम हमारी ये वाली तो आराम से चल रही है, पबजी की परफॉर्मेंस आप उस वीडियो में देख सकते हैं, और कलर्स हमारे बहुत ही प्यारे आ रहे हैं, मतलब अभी तो मेरी ये थोड़ी सी ब्राइटनेस कम थी, बढ़ाती हूँ मैं 50% कर देती हूँ क्योंकि गेम तो हम हमेशा बढ़िया उसमें डिस्प्ले के साथ खेलते हैं ब्राइटनेस के साथ। आप देख सकते हैं कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं इस गेम के और मज़ेदार लग रहा है एकदम डिस्प्ले, मतलब सुपर एमोलेड नहीं मिलता हमें सैमसंग के डिवाइस में इस वाले में, लेकिन फिर भी कलर्स बहुत प्यारे आ रहे हैं, और गेम हो या वीडियो हो आप इसको पूरी तरह एंजॉय करेंगे। इस टेस्टिंग के बाद भी हमें यही पता चला है कि इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है वो ब्राइट है, कलरफुल डिस्प्ले है, और आपको इस फ़ोन के अंदर वीडियोस देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा, और 4K फाइल भी आप इसमें थोड़ी हैवी वाली भी काफ़ी आराम से चला सकते हैं। सो ओवरऑल ये हमारी इस टेस्टिंग में पास हो गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी अभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।